कराची में जिला मलीर थाना कैदाबाद की कार्रवाई। गुज़श्ता रोज 6 साल बच्चा साहिल के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला दरिंदा नियाज अली गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे को जर्द अली के बेटे नियाज अली ने परचून की दुकान के गोदाम में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। नुमाइंदा सच का साथ शमसुल कमर से बात करते हुए बच्चे ने बताया कि मेरे साथ जर्द अली के बेटे नियाज अली ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। मजीद तफसीलात शमसुल कमर से। जी शमस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शमसुल कमर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं बैठा हूँ मुस्लिमाबाद कॉलोनी में, जिला मलीर का ये इलाका लगता है, न्यूसीटू मोहल्ला मुस्लिमाबाद कॉलोनी में। एक अनोखा सा वाक़या मैं बयान भी आपको नहीं कर सकता, आए दिन रोज ऐसे वाक़यात होते जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जो हुआ तो वाह खुदा मेरा दिल रोया, क्योंकि मैं भी बच्चों का बाप हूँ। इंतहाई अफसोस का मकाम है, आए दिन ऐसे वाकयात होते जाते हैं, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जमानत हो जाती है और वो जेल से बाहर आकर फिर यहाँ जो है ना अपनी मौज मस्ती में होते हैं। चले बात करते हैं, एक बच्चा जो है यहाँ साहिल नाम का, जिसके साथ ज्यादती हुई है, नियाज अली जिसके वालिद का नाम जर्द अली, जो मोहल्ला मुस्लिमाबाद कॉलोनी के रिहायशी हैं, उन्होंने इस बच्चे को जिंसी ज्यादती का शिकार बनाया। तो सबसे पहले तो इनके वालिद साहब से हम बात करते हैं कि ये करते क्या हैं और ये हुआ कैसे है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस बच्चे से भी। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई थोड़ा सा कहते अच्छा जी, ये बताएं ये बच्चा है आपका, हुआ क्या है इसके साथ? ज्यादा शाम का टाइम था, ठीक है, सही 5 बजे का टाइम था, जिसमें मेरे बड़ा पैसे हुए तो मैंने इसको 10 रुपये दिए, ठीक है। फिर ये गया चीज लेने के लिए, ये गया सरदारी की दुकान पे, ठीक है, उसका बेटा मौजूद था, ठीक है। नाम क्या है उसका? सरदारी के ऐसे कुछ नाम है, नाम सरदारी के बेटे का नाम नियाज अली, नियाज अली, ठीक है, सही है, वो मौजूद था, ठीक है। इतने में ये बेटा मेरा, मैं शाम का टाइम मैंने नीचे खड़ा हुआ, तो इतने में मेरा बेटा आया, ठीक है, तो इसके पास 30 रुपये थे, सही है, तो इसने बोला कि ये मेरे को मिले, तो फिर मैंने वो बात इग्नोर कर दी, मैंने बोला चलो इसको कल मिले होंगे, बच्चों को पैसे मिलते हैं, तो इतने में फिर मैं इधर से कपड़ी के लिए निकल गया, तो इतने में मेरे को बरवा जी का फोन आया, ठीक है, कि आप किधर हो, उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर हम लोग आए, बंदा दुकान में मौजूद था, बंदे ने भी शहादत की है और बच्चे ने भी सारी बयान खुद ही हम लोगों को बताया। अच्छा ये बताएं नियाज अली इस टाइम है कहाँ? अभी वो जेल में, नियाज अली जेल में। ये बताएं पुलिस ने आपका साथ दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल पुलिस ने पूरी साथ दी है, बिल्कुल कार्रवाई की है, और लेकिन जरदारी की तरफ से कौन सा आपका लगता है? कायदाबाद था, कायदा कायदाबाद थाना कायदाबाद के हदूद में मोहल्ला मुस्लिमाबाद कॉलोनी में नाफिल ये वाकया हुआ है। ये बच्चे का वालिद है शाहिद साहब, और इनकी बातें जो है आपने सुनी हुई हैं, और मजीद इनका कहना है कि नियाज अली के वालिद साहब जो है वो धमकियां वगैरह लेते हैं, क्या धमकी लेते हैं आपको? और मैं हम कर देते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग अपने बेटे को निकाल लेते हैं, हर चीज हम अपनी पूरी जायदाद लगा कर, ठीक, हम अपने बेटे को निकाल लेते, तुम्हारे साथ सोलह गरीब बंदा हूँ, मेरा तो बस नहीं, बस मेरे को ये इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए? अच्छा ये बताएं जरा किससे आप इंसाफ मांग रहे हैं, आप बताएं तो सही, किससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? पुलिस हुकूमत से, पुलिस हुकूमत से। बहुत शुक्रिया शमसल कमर तफसीलात से आगाह करने के लिए।